कल मैं विष्णु के घर पे था, वहाँ उनके नाना से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने ही कहा था कि जाओ फंदा को खोद दो, 4-5 लोग वहाँ मौजूद। ऐसा नहीं होता, कोई प्रशासन नहीं कहता कि फंदा, वो अपने आप खुद ही जाएगा, अपने आंखों से जाके अपने हाथ से निकालेगा। किसी घर से, किसी घर की फैमिली से नहीं कह सकता, ऐसा हमने नहीं सुना ना देखा। बाकी ये लोग क्या प्लान है, कैसा ऐड होने, अभी भी समाचार जब चल रहा है, कुछ लोग बता रहे कि यार मजाक हो रहा है क्या, क्योंकि जिस तरीके से लोग वीडियो डालते थे मजाक करके, नहीं नहीं वो मजाक नहीं, ये रियल है, मजाक नहीं, मजाक करते करते आज रियल हो गया। दोस्तों ये भूल जाए आप लोग की मजाक है, मजाक नहीं, रियल है। हम लोग क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, सुबह लखनऊ से आए हैं, मॉर्निंग हम लोगों का यही हुआ, तो हम लोग यही कहा है। पूरी स्थिति देखे, बहुत ही बुरी थी, बहुत ही खराब थी, और बहुत ही गरीब परिवार से ये लोग। आप लोगों से जितना हो सके मदद कीजिए। ऋतिका जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से यह घटना हुई है, कहीं आपको नहीं लगता कि गांव की जो भाभियां हैं, जो बहनें वीडियो बनाती हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है? बहुत ज्यादा, मैं तो यही प्रभाव पड़ रहा है इस गांव में। मैं सबको बोल रही हूँ, सबसे फर्स्ट बात ये रही कि घर की बात घर में सुलझाए, बाहर वालों को घर के अंदर मत आने दे, मतलब बातों में, कि अपनी फैमिलीज बातें अपने फैमिलीज में रखें, बाहर वालों को मत, क्योंकि अपने अंदर से बात निकली डबल हो जाती है। डबल कैसे बात, कैसा बर्ताव होगा, कुछ क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, इसमें अलग से प्रभाव पड़ेगा। मालती चौहान का और इसके बाद गोरखपुरी भौजी का एक बातचीत हो रहा था, जो गोरखपुरी भौजी अपने चैनल पर वीडियो डाली है, उसमें मालती चौहान फ़ोन से बात कर रही, बताई कि मुझे पता नहीं कि मेरी शादी हो रही, मैं तो सोचा मजाक हो रहा है। हाँ तो वो वीडियोज ऐसा, ये देखो शादी तो रेड सिंदूर से होती, पीले सिंदूर से नहीं होती, मैंने ये कहीं नहीं सुना है। अब ये तो चाहे इनका प्लान हो वीडियो शूट का, आज ये अलग सा दिखाया जा रहा हो, ये बात तो सिर्फ मालती चौहान और उसका हस्बैंड जान सकता है, और तीसरा जो क्या नाम है, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन जी, अर्जुन वो जान सकता है, चौथा कोई नहीं जान, जितने लोग वहाँ थे बस उतने ही जान सकते सच्चाई है या फेक वीडियो बन रहा था। अब उसकी जब उसकी जान पे आ गई तो लगा दिया गया, जैसे शादी हो गई। जैसे मैम यहाँ आई है, आप उनके माता पिता से मिली मालती के, क्या वो क्या बात रखे वो लोग? उन लोग की हालत बहुत खराब है, वो तो उसके क्या नाम है हस्बैंड को ही बोल रहे हैं कि मुझे तो न्याय चाहिए, जिसने भी किया उसकी बेटी के साथ उसको तो न्याय ही चाहिए होगा ना। और पूरा गांव ऐसे परेशान है ये कि पूछो मत, की मतलब ऐसी नहीं थी वो, तो कभी खुद को खत्म करने वाली बेटी नहीं थी। मैं लखनऊ से आई हूँ, आप भी चैनल चलाते हैं? हाँ जी, मेरा ऋतिका यादव 293 का चैनल है। क्या नाम है मैम आपका? मंजू। आप कहाँ से आए? लखनऊ से आए, राजधानी से। तो यहाँ मैम आपकी क्या राय है, जिस तरीके से यहाँ लोग जुटे हैं, अभी बाड़ी भी चला गया है, विष्णु को पुलिस गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है, उनके माता पिता दहेज का उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मैं सभी जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, फैमिली की बातें फैमिली में रखी। आज नतीजा कितना बड़ा हुआ, किसी का परिवार उजड़ गया, किसी का घर उजड़ गया, किसी की माँ की बेटी चली गई, और बहुत सारी। आप लोगों को एक मैसेज है, एक संदेश है कि जो भी बातें अपने पब्लिक में मत शेयर कीजिए, अपने घर की बातें घर ही में रखिए। कहीं कहीं आपको भी एक शादीशुदा आप भी हैं, कहीं कहीं आपको भी डर होगा कि अब कैसे हम बाहर वीडियो बनाएं। हम भी गरीब परिवार से हैं, हमारे भी पास सास ससुर बाल बच्चे, हस्बैंड है मेरे पास भी, भाई ऐसा सब होगा तो हम लोग कैसे रास्ता चल पाएंगे जी? 4 पैसे कमा रहे हम लोग किसी के जरिए से, किसी के माध्यम से, यूट्यूब के जरिए से हम लोग 4 पैसा कमा रहे, अगर जो ऐसा रहेगा तो हम लोग जो खा कमा, बहुत सारे लोग गरीबी उठा के कितना ऊंचे तक गए, बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे तक गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सब बंद कीजिए, और जैसे भी खा कमा रहे हैं यूट्यूब के जरिए से ऐसे ही रहिए। आप कौन से चैनल चलाते हैं? मैं भी चलाती हूँ मंजू अनिल 0642 जी। आप भी लखनऊ की रहने वाली? मैम आपसे काफी समय हो गया बातचीत करने, अभी मैं बात आपसे कर रहा हूँ। यहाँ पर उनकी माँ से मिली, आपको क्या बातचीत हुई? उनकी माँ से मैं नहीं मिली हूँ, उनके पिताजी से मिली हूँ। उनके कहने का मतलब यही है कि मुझे युवराज चाहिए, और जिस तरीके से उनकी मैं स्थिति देखी हूँ, खास करके मैं तो ये बयान करूँगी कि युवराज को पिताजी का, और बहुत ही दुखद वाली बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया है, जैसा कि मैं क्या ही बोलूँ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वीडियो के खेल में किसी की जान चली गई? ये तो लोग कहते थे ना कि फेक वीडियो हमेशा लोग फेक भी बनाते थे, आज हकीकत हो गई। तो लोग बहुत लोगों को लोगों लोगों को ये होता होगा कि फेक है कि सही है, फेक ही सही, लेकिन आज मैं बता दूँ कि ये हकीकत।
अब मैम आप कौन से चैनल चलाती हैं? मैं निशा निशा सतत सतर से मेरा चैनल है जी, और मैं एक महिला कंस्टेबल हूँ, मैं ड्यूटी भी करती हूँ। अच्छा आप पुलिस विभाग में भी हैं, तो आप रील उल बनाते तो कार्रवाई हो जाती है? नहीं तो मैं ऐसा रील नहीं बनाती, वर्जिन नहीं बनाती, सिविल में आप बनाती हैं। तो आप तो बारीकी जानती हैं, जैसे तमाम वर्ग की जो महिलाएँ रहती हैं कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा ले, तो सब जानते हैं, सब आपको बताने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा एक बाहर एक गाँव की बहुत आम बात हो गई है, देखिए भागना हो गया या खाना हो गया, मतलब बहुत आम बात हो गई है। जब लोग पकड़ा गया तो फिर हो गया, लेकिन बात यह है कि जो यहाँ वाला जो है गोरखपुर में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और गोरखपुर में बहुत ज़्यादा ही अफवाह उड़ रहा है। तो हम लोगों से गोरखपुर वालों से ये मैं ये निवेदन करूँगी कि भैया आप ऐसे मत करिए। जैसे मैम जो फेक वीडियो बनाते हैं, तो पुलिस अफसर भी हैं, तो कार्रवाई भी होती होगी, आईटी एक्ट 67 तमाम धाराएं हैं जी, होती तो है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आज डेट में एक्शन कौन ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है ना। जैसे कि यहीं पे हुआ तो लोग कह दिया, नहीं प्रशासन ने कह दिया है कि आप फांसी खोल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग के पास सूचना जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि उस दरवाजे को लॉक करिए, दरवाजा खोला ना जाए और कोई बॉडी को छुए जी अंदर घुसे ना, जबकि उसके हम लोग फिंगरप्रिंट उठाते हैं वो ना आए जी। वहाँ पर आप जाएंगे, वीडियोग्राफी होगा आपके, इसके बाद फॉरेंसिक टीम आएगी, जांच करेगी, फोटोग्राफी होगा, उसके बाद बॉडी को पीएम भेजेंगे। कैमरे के साथ हम लोग दरवाजा खोलते हैं, जिसमें कि हम लोगों को भी ना आया कि हम क्या है कैसे हैं, लेकिन मेन बात ये है कि अच्छे लोग जो कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं नहीं प्रशासन की है, ये गलत है, और बहुत लोग डाल दिए कि नहीं रिपोर्ट आ गया है, लेकिन रिपोर्ट इतना जल्दी आप भी जानते हैं 24 घंटे में आता है रिपोर्ट, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता, नहीं आती है। बहुत ऐसे ही पकड़ वालों का होता है, जैसे जो कि फॉर्म दिया जाता है, नहीं आना था, मन के चलिए कि दो दिन तीन दिन भी चार तीन चार दिन लग जाते हैं, लेकिन एक बहुत लोग फेक ग्रुप बना दे रहे हैं, पब्लिक में अभी भी हम सब जीती थे, आप लोग उसका बहुत मजाक उड़ा ली है, अब मरने की बात किसी का मजाक उड़ा रही है, आप समाप्त कर दो उसे, अब उसे उसके आत्मा को शांति देने के लिए आते जी। आप भी लखनऊ से आए? जी मैं भी लखनऊ। मेरे साथ यह मौजूद थी ये महिला कांस्टेबल भी हैं, लखनऊ में हैं, ये भी चैनल चलाती है, रितिका यादव जी हैं, ये भी चैनल चलाती। फिलहाल जिस तरीके से लोग रिपोर्ट डाले हैं कि पीएम रिपोर्ट आ गई है, पीएम रिपोर्ट 2 से 3 दिन लगता है, फिलहाल यहाँ की पुलिस काफ़ी तरीके लोगों को मदद कर रही है। रीतिका जी आप गोरखपुर के बहुत क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको देखना पसंद नहीं करती। क्यों? आई डोंट केयर। क्या तो बोला जाए, उन्हीं के चैनल पे आया है कि रिपोर्ट आ गई, वही चैनल पे डाली अपनी, हम कल खुद ही देखे कि रिपोर्ट आ गई, वही खुद डाली, बोली मैं 4 बजे मैं उधर जा रही हूँ, अभी तक यहाँ है भी नहीं। अच्छा 4 बजे वो अपडेट दिए थे कि अपने चैनल पे आएंगे, यूं रोने वाला सीन करके अपडेट दिया कि मैं निकल रही हूँ जी, वीडियो को दिखाएंगे 4 बजे वाला वीडियो वो मैं ले लूँगा, निकाल लेंगे, चालू करें, एंड कर दूँगा। अरे उसके अंतिम समय में तो उनको रहना चाहिए। एक बात आपको क्या प्रतीत होता है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालती चौहान के मायका में, इस वक्त ये खलीलाबाद एरिया लगता है। फिलहाल रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दे। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद संत कबीर नगर, खलीलाबाद। जय हिंद।